एसी की वायरिंग। तो टोटल सिस्टम बताएंगे विस्तार से, कहां सप्लाई इनपुट होती है, कहां पर जाती है, किससे कैसे कनेक्शन करते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका होता है यहां पर एक कनेक्टर, देख रहे हैं ना, ये आपका हुआ कनेक्टर। और कनेक्टर में तीन वायर ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक आपका रेड लगा हुआ है, एक व्हाइट लगा हुआ और एक ब्लैक लगा हुआ है, दिख रहा है ना सबको, ध्यान से इसको साइड कर दो थोड़ा सा। और ये जो आपका ग्रीन वायर है यानी कि बॉडी अर्थ के लिए, ठीक है ना, ये जाता है कूलिंग कॉइल की बॉडी पर और ये जाता है आउटडोर में कंडेंसर की बॉडी पर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक फेस यहाँ पर इनपुट करेंगे, दूसरा फेस यहाँ पर इनपुट करेंगे और न्यूट्रल को यहाँ पर इनपुट करेंगे, जो बॉडी अर्थ आएगा उसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक ना। जैसे वहां पर हम इनपुट करेंगे तो ये आपके बेल्ट लगे हुए हैं, इनमें वायर को डालकर बांध दिया जाता है अच्छे तरीके से। इसके बाद जो आपका फेस होगा P1, P2 और न्यूट्रल, ये चला आएगा हमारे किसमें, पीसीबी के अंदर, पीसीबी में आएगा और पीसीबी से हमारी जो सप्लाई होगी अब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि पीसीबी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड होता है, इसके द्वारा हर एक उपकरण को सप्लाई दी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, ये C1 होता है जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है करता है एसी सप्लाई लेकर डीसी कन्वर्ट करता है और डीसी सप्लाई यहाँ पर हम प्लग इन करते हैं। तो डीसी जब देते हैं तो ये सारे सिस्टम जो है ये क्या हो जाते हैं, पूरे डीसी युक्त हो जाते हैं, ठीक ना। यहाँ से जहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ छोटा वाला, यहाँ की इधर का है एसी सप्लाई, इसकी इधर टोटल होता है डीसी सप्लाई। ये पीसीबी के अंदर क्या किया जाता है, उस तरीके से वायर खींचे गए होते हैं मशीन के द्वारा। तो चलिए अब देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर डीसी इनपुट हुआ, डीसी इनपुट होते ही यहाँ से आपको चला जाएगा स्विंग मोटर को, यहाँ से आपके डिस्प्ले बोर्ड को वायर चला जाएगा। इसके अलावा आपका ये आपका देख सकते हैं यहाँ इधर जो क्लिप लगी, यहाँ से आपका वाटर पंप मोटर हो जाएगा, ड्यूमिडिफायर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी आप क्लिप करके दे सकते हो, उसके लिए यहाँ पर क्या लगाया, क्लिप लगाया। ये फेस और न्यूट्रल आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ से आप एक इसको और एक इसको दे सकते हैं P1 P2, जिससे आपका वाटर पंप मोटर चलेगा, उसका वायर इधर है अंदर। यहाँ पर वाटर पंप मोटर होता है, हमने दिखा रखा है वीडियो में, जिसमें खुलवाए थे टोटल पार्ट बताए थे, उसमें हम सब कुछ दिखा रखे हैं। तो ये आपका वाटर पंप मोटर का वायर और ये आपका डिह्यूमिडिफायर का वायर, इन दोनों को एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्लिप कर सकते हैं, मन किया तो आप इसमें कस सकते हैं, ठीक ना। क्लिप क्लिप नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कसना पड़ेगा। इसके आगे देखिए आपका यहाँ पे आ गया ब्लोअर, है ना, ये आपका ब्लोअर को तीन सप्लाई देते हैं, तो इससे हाई लो मीडियम होता है। ये ब्लोअर के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, स्पीड कैपेसिटर, करते क्या है, इसमें जो व्हाइट वाला वायर होता है जब यहाँ जाता है, तो व्हाइट वाला वायर सबसे पहले यहाँ जाता है और यहाँ से होकर आपको जाता है ब्लोअर पर। बोर्ड पे मैं दिखा तो कैसे इसकी सप्लाई होती है, फटाफट देख लो इधर बोर्ड पे आके, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले आपका होगा एक ब्लोअर, ये आपका ब्लोअर फैन हुआ, इसमें तीन वायर निकलते हैं, ठीक ना। एक निकलेगा आपका व्हाइट और एक निकलेगा आपका रेड, एक निकलेगा आपका ब्लैक। अब कनेक्शन कैसे किया, ध्यान देखो, ये आप आपकी पीसीबी है, ठीक ना, ये आपका पीसीबी कनेक्टर है, तीन जिसो भी दिखा रहे थे, और ये आपका एक लगा हुआ स्पीड कैपेसिटर। तो ध्यान से देखना कैसे कनेक्शन किया गया। सबसे पहला जो ये व्हाइट वाला वायर है यहाँ पर आएगा, ठीक ना, यहाँ से होकर जाएगा इसके पास क्लिप के थ्रू, एक वायर डायरेक्टली यहाँ पर लग गया है और एक वायर ये वाला वायर, ये वाला वायर डायरेक्टली यहाँ पर है और ये वाला जस्ट यहाँ से यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन है ब्लोअर का, ठीक है, वैसे आपका काम करेगा। ये दोनों क्लिप में पहला वाला वायर जो व्हाइट वाला है, ये भी आपको क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक ना। तो यहाँ से होकर इसको जाएगा और यहाँ से होकर आपके फैन, जिससे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। चलो अब आते हैं पीसीबी फिर से चेक कर देखते हैं। तो बस वही है, यहाँ से आपका लग गया, ये देख रहे हो ना, ये कौन सा वायर है, दोनों सेम ही कलर होता है और ये आपका है थर्मो स्टेट सेंसर के लिए, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा इंडोर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ होता नहीं, बस इतना सा ही वायरिंग होती है। अभी जब हम चलेंगे आउटडोर में, तो आउटडोर में हम यहीं से लेंगे, अगर डबल फेस का है तो केवल दोनों फेस ले लेंगे, अगर डबल फेस और न्यूट्रल दोनों जो होते हैं तो हम न्यूट्रल भी लेकर जाएंगे आउटडोर के पास, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले करेंगे क्या कनेक्शन में, इसमें आपका जो सिस्टम है सेम, यहाँ से आपका बॉडी अर्थ P1, P2 और न्यूट्रल, ये सभी हम वायर ले लेंगे और वायर को कहाँ ले जाएंगे, सीधा अपने आउटडोर के पास। अब आउटडोर में क्या होता है, कंप्रेसर और कंडेंसर, उसकी वायरिंग करनी होती है और उसकी वायरिंग बिल्कुल क्या होती है, सिंपल सी होती है, फटाफट उसको हम कर लेंगे। चलो बोर्ड पर दिखा देते कैसे उसको हम करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखो ध्यान से, आउटडोर में क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले एक कंप्रेसर होता है, एक आपका होता है कंडेंसर फैन और कंडेंसर मोटर, है ना। तो इसमें आपके वायर निकलेंगे तीन,
और इसमें आपको पाया जाएगा एक कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर को भी आप यहाँ पे लगा लीजिए। इस तरीके से होता है। अब चलो फटाफट जा कनेक्शन देखते हैं। तो आपका जो इंडोर से जो वायरिंग आएगी, वायर आएंगे इसमें क्या होंगे, क्लिप होंगे, ठीक ना। अगर देखो रिले लगा हुआ है आउटडोर में, तो सबसे पहले रिले अगर लगा हुआ है तो पीस भी एक होता है उसके द्वारा, मैं डायरेक्ट रिले लगा देता हूँ, देख लो जो आपका P1, P2, न्यूट्रल और ग्राउंड है ना, इतना होगा। जो फेस आएगा सबसे पहले रिले के पास है ना, रिले से देंगे इसके कामन को। रिले लगा हुआ है कब, रिले के पास इतनी सी वायरिंग होती है, फेस जब सुबह रिले देते हैं, रिले से कहाँ देते हैं, इसमें नंबर होता है आपका 4 और 3, ये याद रखना होता है। तो यहाँ पर जाएगा आपका कामन और एक रन और एक स्टार्ट, ये रन और एक स्टार्ट, ये तो हमारा हो गया P1 का। यही से हम देंगे एक और वायर लेकर किसके, इसके कामन को, है ना। अब कलर क्या होगा इसका, कलर देख लो येलो होगा, इसका भी कलर येलो होगा और इसका भी येलो, येलो होगा, ठीक है। कलर दोनों का सेम होगा। अब क्या करेंगे, एक वायर लेंगे ये वाला P2 है ना, अब P2 को कितना लगाएंगे किसके पास, कैपेसिटर में, है ना, कैपेसिटर में लगाएंगे, कैपेसिटर लेंगे एक, इसका कलर क्या होगा ब्लू, और एक देखिए कंप्रेसर के रंग को है ना, इसका कलर क्या होगा ब्लू, और जो सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से क्या सप्लाई जाएगी स्टार्ट, इसका कलर क्या होगा रेड। अब क्या बचा इसको ना, ये वाला जो आया बचा है ये वाला चला जाए किसके, आपके फैन के स्टार्ट को, है ना। तो फैन के स्टार्ट को देख लो वायर चल जाए, कटेगा थोड़ा सा बस यहाँ से होकर ऐसे आपका इसके पास, इसका कलर क्या होगा रेड। तो ये बस आउटडोर की सप्लाई, इतना सा आपका लेना है और लेकर कनेक्शन कर देना। और कोई और चीज अगर थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो उसमें पीस भी लगे, आउटडोर में किसी दिन थर्मोस्टेट भी होता है तो उसमें पीस भी होते हैं, उसमें न्यूट्रल भी जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना कनेक्टर करके, वैसे तीनों निकल के बस उसमें जो पीस भी होगी उसके कनेक्टर में क्या हो जाएगा, नॉर्मली सा कनेक्टर बना होगा, ये तीनों यहाँ से निकल के बस पीस भी में चले जाएंगे आउटडोर के, और इससे से आपका क्लिप बना होगा, यहाँ से आएगा थर्मोस्टेट को, ये हीटिंग थर्मोस्टेट होता है ठीक ना, जो थर्मोस्टेट वाला होगा उसमें, तो थर्मोस्टेट को जाएगा यही से कंप्रेसर को, तीनों कामर में स्टार्ट को बस क्लिप करना होगा जो पीस भी के थ्रू होगा, तो इसके बाद से फायर मोटर के एरिया में क्या होगा क्लिप का होगा, आपको उसको भी क्लिप कर देना। इसके अलावा इसमें स्पीड कैपेसिटर भी पाया जाता है, स्पीड कैपेसिटर क्या होता है आपका दो कलर का वायर लगता है, सेम कलर होते हैं ना, बस ये आपको कैसे लगेगा और इसमें क्या लेंगे, दो कलर का वायर लेंगे, दोनों आपके व्हाइट होंगे, तो सिंपल सा होता है, पीस भी वाला बिल्कुल आसान है, उसमें क्लिप करना है सबके लिए, और अगर ऐसे है तो आपका कनेक्शन इस तरीके से होगा। दो तरीके का आपका आता है, जैसे कि इन्वर्टर एसी आ जाएगी ना, इसी में इन्वर्टर वाली आती है, स्मार्ट इन्वर्टर एयर कंडीशनर, वीडियो अपलोड किया उसका तो देखना, स्मार्ट एयर कंडीशनर वाले में क्या होता है, जो इन्वर्टर वाला होता है उसमें पीस भी होती है, तो उसमें ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर लगेगा कंप्रेसर का तीनों वायर को क्लिक करना है, यहाँ पर लगेगा आपको इसका वायर कंप्रेसर के बाद आपका लगेगा फैन मोटर का वायर है ना, यहाँ से जाएगा और यहाँ से आपका थर्मोस्टेट का हो गया, और यहाँ पर आपका लगा देंगे जो पीस भी का इनपुट होगा, यानी कि एक फेस डबल फेस और एक न्यूट्रल क्या कर देंगे इनपुट कर देंगे, तो इस इतना बस आपका होता है, इसके अंदर बाकी ट्रांसफार्मर कैपेसिटर रिले सब इसके अंदर वो सिस्टम होते हैं ठीक ना, ये आपको बाहर से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा इस वाले में। इसमें टोटल चीजें क्या पाई जाती है पीस भी में, सिंपल सा होता है बस, इतना सा कनेक्शन है, ओके।